रिया गिर गई। तो ये गुड मॉर्निंग गाइस, भाई लोग आज है संडे, अभी जा रहे रोपवे से जा रहे, अभी कुछ 7:30 बज रहे, तो मतलब लेट हो गया थोड़ा। सब लोग आगे निकल गए, मैं थोड़ा सा पीछे रुक गया था, मतलब मैंने और थोड़ा सा लेट कर दिया, इतना कैमरा एक ही हो रहा है। ओके, तो पीछे के पीछे जो है उसके वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा शायद। होटल दिखा देता हूँ आपको, ये है होटल, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये पूरा होटल है। यहाँ पे इनका जरा फोटो शूट चालू है, निकालो निकालो फोटो निकालो। अरे मेरे को जाना है। हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ श्री व्लॉग्स। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देखो। कैसे जाओगे, यहाँ पे लिंक है। यहाँ से रोप वे का यहाँ पे जाने के लिए टिकट निकालेंगे पहले। गर्दी तो है भाई। तो देखते इन एंड आउट, ये रेट से छोटा है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो होटल में ठहरे हैं उनका कुछ तो सकेंगे, प्लस वो पहचान वाले भी तो थोड़ा सा कम में हो, थोड़ा और पास में आ गए। अभी तक तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं है, लाइन वाइन दिख रही नहीं है, फिर दोनों भाग के जा रहे आगे आगे। ये सार्थक और रिया भाग के जा रहे आगे आगे, मेरे पीछे पप्पा है, मम्मी है, और वही नहीं है। पैर में चप्पल नहीं है तो ठंडा तो ऑब्वियसली लग रहा है, प्लस ठंडी की वजह से मुंह भी थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक से बोलने भी नहीं जमा बाबा। यहाँ पर फिर से एक बार स्कैन करके जाने का है। टिकट सब संभाल के रखना पड़ेगा यार, जगह जगह पर स्कैन करके जाने का है। तो बच्चे लोग के हाथ में देखे तो मेरे हाथ में जरा ये है, तो और एक हाथ में कैमरा है मेरे, ये सीढ़ी है। रिया गिर गई, सवारी भी आ गई है। पूरे 3.5 मिनट वेट करने के बाद ट्रॉली का गेट खुला। लकीली हमारे प्लेटफॉर्म में कोई स्ट्रेंजर नहीं था और ना ही कोई उतरा था। अंदर आने के बाद हमने अपने अपनी जगह चुनी, सब बैठ गए, लेकिन फिर भी एक सीट खाली थी। मैंने यहाँ पे नजर घुमाई, फिर अपनी ओटी वहां पे रख दी, फिर मुझे मस्ती करने का मन किया। बगल में मम्मी बैठी थी तो मैंने ये किया। ये भी है, एसी गर्मी में क्या टेम्परेचर क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस। मम्मी पापा को तो ठंडी लग रही है, उन्होंने स्वेटर पहन लिया, मेरे पास है, मैंने नहीं पहना। यहाँ पे किसी ने भी नहीं पहना, मतलब और ऊपर जाके और ठंडी बढ़ने वाली है, सो ब्रेस योरसेल्फ। तुमने कभी ये एक्सपीरियंस लिया है? कोई नहीं, कब ले लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। Thank you.
टर्बुलेंस हुआ, लेकिन टर्बुलेंस एयरप्लेन लोरा का जिला है, पहुंच गए। हिलने के वजह से मम्मी को डर लग रहा था। उतरने के बाद मैं तो सबसे पहले ऊपर पहुंच गया, लेकिन बाकी लोग पहुंचे ही नहीं थे, तो मैं डिटेक्टिव बन गया और उनको ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे रिया मिली, जो कि कंटाल गई थी। ऊपर जाके मैंने वीडियो लिया। उस दौरान मुझे भक्ति करने का मन किया, तो मैंने कुछ ये किया। यहाँ पे भी गर्दी की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन लौटते समय मैंने फिर से वीडियो लिया। लेकिन भाई ये तो कतई स्लो था यार। कुछ नहीं, वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ, देख लो यार। वेट, थोड़ी देर और। वेट, हो गया बस। पहुंच गए। शाबाश भाई, टिकट ले लिए, जोर से आगे निकल गए। मैं आपको रुकाऊँ, मुझे ये दिखाना था, खुद से ट्राई करना था। यहाँ पे रख के स्कैन किया और हो गया इजी। फिर नीचे उतरने के बाद शॉपिंग हुई और मैंने लिया, मतलब लिया नहीं, सिर्फ ट्राई किया था और रख दिया। कुछ 100-150 फोटो और 10-20 वीडियो लेने के बाद। और यह वहीनी ने यहाँ पे आके भी इयररिंग्स ली। अभी यहाँ पे घूमते घूमते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छी सी महादेव की मूर्ति है, मैंने बोला था दिखाऊंगा मैं बाद में। तो एक झलक देख लेते हैं, मैं फ्रंट कैमरा। फिर यहाँ पे भी मुझे कुछ हुआ, तो मैंने फिर से एक क्लिप बना दिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हम लोग के यहाँ पे एक झूला मिल गया, एक ये साइड से निकालता हूँ मैं। तीनों के यहाँ पे झूला मिल गया, तो यार तेरा बाल संभाल यार। तो झूले पे बैठे आराम से, ऐसे को झूला झूल रहे। ये सामने इसमें नहीं है, ये सामने है अपना होटल रमा। वहाँ पे एक और झूला है, वहाँ पे एक और झूला है, लेकिन वहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हो उस पर बैठ के। ये दोनों आ रहे नहीं है, इन दोनों को यहीं पे छोड़ के जाएंगे। आते ही एक आइसक्रीम देखते हैं। ठंडी में आइसक्रीम कौन खाएगा, तो नहीं भैया सबको पता है नहीं खा लेंगे। चिप्स का पैकेट देखा, मैं क्या करता शारदा, रमा आणि कृष्णा असे तीन नाव आणि साईडला जी स्टाफ क्वार्टर म्हणून ती शारदा। ओके, तो इसके लिए हॉटेल का नाम भी रमा है, तीन है, एक शारदा, रमा कृष्णा। तो हम लोग अभी होटल रवा में, तो हम अभी चेकआउट के लिए जा रहे हैं। मम्मी पापा सब लिफ्ट से गए, मैं और सार्थक सीढ़ी से आ रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे भी कंडला आ रहा था और वापस बैठ के जाना है, तो एकदम पैर अकड़ सकते हैं, इसलिए चल के जा रहे हैं। सबसे पहले जाके क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे ना, तो क्या खाएगा, गाली खाएगा नहीं। यहाँ पे वहीनी ने बुला रुको, तो रुक गए।
आप भी रुक जाओ दो सेकंड के लिए और वीडियो को लाइक कर दो। इससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि मेरा वीडियो भी अच्छा है। कर दिया लाइक, ठीक है तो भी कमेंट भी कर दो आपका फेवरेट पार्ट। फिर हम बिना किसी देरी के निकल गए। देखो हमारी स्पीड, ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पे हम लोग अभी बैठने वाले, टेंट लगाया है पूरा। ये देखो मैं तो देखते ही उस पे बैठ गया, मतलब लेट गया, और वो भी फर्स्ट ट्राई में। मुझे लगा था लगेगा, दो तीन ट्राई लगेंगे, लेकिन कोई नहीं चलो। लेकिन फिर सूरज की किरणें बोली तो मैं उड़ गया। फिर यहाँ पे मिसल पाव ऑर्डर किया था तो मैं टिपिकल फूड ब्लॉगर जैसे कमेंट्री देने लगा। ये सब जो रहता है वो है ये दही, ये सोन पापड़ी एक है अलग दिया था वो, और इसमें पापड़ भी है। वही अभी 2 बज रहे और हम लोग यहाँ पे एक जगह पहुँच गए, एक जगह पे मतलब मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए। एक गाइड के साथ है अभी, रिया और वहनी चल के आ रहे, ज़रा उतरे थे रास्ते में तो मैं तो सो गया था, तो मैं तो गाड़ी में था। वो गाइड बुला रहा है लेकिन अभी सारे के यहाँ पे गए, ज़रा अभी भी नींद में ही हुआ है। सबके जैसे मैंने भी ओम अपने माथे पे छपवाया। हम फाइनली त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर में भी चोर है और ये डॉगी। पूरे 1 घंटे के बाद मैंने देखा और आगे जाना है। ये स्कैन करके मंदिर को डोनेशन दो। यहाँ पे 5-5 मिनट में 1 कदम रखने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर में फूल नारियल और प्रसाद तीनों अलाउड नहीं है। वाह, दर्शन करने के बाद हमें फिर से गैया मिली तो सार्थक ने फिर से खिलाना शुरू कर दिया, और उसको देख के मैं यहाँ पे आया तो हूँ, पैर भी धोना है, मुझे डर लग रहा है ना खून ना गिर जाए। फिर हमने कुंड की पूजा की। और सार्थक ने दिया कुंड में विसर्जित किया। 9 बज रहे 9:15 बज रहे मैं भी सो गया था। आए अपने फिर खाना खाया, वही ऐसे 3 सब्जी से और 1 रोटी से मेरा प्लेट बन गया है, सब लोग खा रहे और पहुंच गए। ठीक है, बाय।